आज ना बड़ा वो हो रहा है मेरे को, पेट में दर्द। अच्छा मुझे लगा अफसोस क्यों भी परी नहीं है। अरे यार अब निकलूंगा सनरूफ से, निकल जाऊं क्या? ओ गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है भाई। वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे। सो आज जो मैं करने वाली हूँ वो आप लोग ना सोचोगे कि यार परी दीदी ने ये कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यार मेरे को ना बहुत मजा आता है चुटपटांग चीजें करने के अंदर। तो आज मैं छुपने वाली हूँ विशाल की गाड़ी के डिग्गी के अंदर, और उसे कुछ भी नहीं पता, लाइक कुछ भी नहीं पता भाई। एक तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी और नर्वस भी हूँ कि क्या होगा, कहीं मैं घुटके ना मर जाऊं अंदर ही अंदर, क्योंकि भाई गाड़ी बंद तो कहीं तो जाएगा ना, गाड़ी बंद करके वहीं सांस ऐसे ना आए मेरे को, या कुछ भी हो सकता है। नो आइडिया सही बताऊं तो कि क्या होने वाला है, पर मजा तो आएगा, आप लोगों को भी आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, कहीं मत जाना, अभी से बता रही हूँ मैं, ठीक है भाई। पहले सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, देखो पहले तो मैंने उसको पहले ही बता दिया है, मतलब फोन करके कि आज ना मैं आने नहीं वाली हूँ, तुम लोग चले जाओ, तू और साहू अपना चले जाओ, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके हिसाब से परी अपने घर पर है, खूब विश्राम कर रही है, उसे कुछ नहीं पता कि परी तो अपने घर से उठ के कमरे डिग्गी में बैठ गई, पता ही नहीं चलेगा अगले को। बट सबसे उससे पहले इम्पोर्टेंट टास्क है कि मेरे को मेरे घर से डिग्गी तक पहुंचाएगा कौन, मैं पहुंचूंगी कैसे उसके डिग्गी के अंदर। तो मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए, तो वो कोई नहीं है, मेरा प्रिय मित्र है साहू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साहू, से हाय। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। कैमरा कैमरा है, हर तरफ कैमरा है आपके लिए। वो तो मेरी दिख रही है, फ्लैश की नहीं चल रही, वो फ्लैश उनकी खराब हो चुकी है। मैं हेल्प करूंगा इसके डिग्गी के अंदर डालने में। हाँ, हमने लाइक कुछ पता नहीं लगने सोचा है, कुछ तो सोचा ऐसा कि आज सच्चाई निकलवा दूं विशाल की, जितनी भी तेरी बुराइयां करता है निकला सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल यार, मैं बुराई करूंगा उसके सामने, मैं बोलूंगा भाई परी ऐसी है वैसी है, वो भी कुछ बोलेगा हाँ भाई साउथ तू सही बोल रहा है। वो अगर तू कर सकता है तो मजेदार, लेकिन बाद में तू ये मत बोले साउथ तू बुराई कर रहा है। दिल से मत करो, कुछ बात तो सच है, बुराई कर सकते हैं, कुछ तो सच बात है। साफ हो ना, अपने ही साफ होते हैं, कसम से इतने साफ भरे पड़े ना, मैंने साफ ही रखे हुए अपने पास। तो पता क्या करियो, देख जब वो गाड़ी पार्किंग से निकालेंगे मेरे पास वो ही टाइम है उसी गाड़ी तक पहुंचने का, उसके बाद ना फिर वो निकल जाएगा। मैं बोलूंगा भाई मेरे को चाबी दे दे, मेरे को सामान वामान रखना है, मैं उसी टाइम तेरे को डिग्गी में पैक वैक करके सामान रखना, तो वो वही बैठा हुआ होगा ना, उसको ऊपर भेजो कैसे ना कैसे करके एक बार सामान लिया मेरा। हाँ ये कर सकता, मतलब चाबी लेके मैं करवा, क्योंकि उसके बाद अगर विशाल अपने घर से निकले गाड़ी लेके तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा गाड़ी के डिग्गी में घुसना, बहुत ज्यादा। आज इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, ये देखो पसीने भाई, पूरी डिग्गी में पता नहीं क्या ही करेगी। गाड़ी रुकवा के मत देना कहीं पर भाई, मैं मर जाऊं। करो तो कॉल कर, देख रहा कैसी बात कर रहा है, मैं कॉल पे बातें कर रहा हूं पीछे बैठ के, मेरे को पता है यार यहां तो बहुत गर्मी है। तो भाई चलते हैं यहां से विशाल की डिग्गी की ओर, और आप लोग भी कहीं मत जाना, आप लोग मेरे साथ बने हैं, तो लेट्स गो। तो भाई मैं आ चुकी विशाल के घर के बाहर, तो अभी वो गाड़ी निकाल रहा है, अभी नहीं निकाली गाड़ी, निकाल तो रहा है, तो निकालने भी आधा घंटा लगता है क्या इसको गाड़ी। एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि पूछो मत, बस आई होप कि साहू में वो कैसे ना कैसे करके डिग्गी तक पहुँचा दे। बताओ यार बंदा गाड़ी में, और स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी, और निकल रही निकल रही निकल रही निकल रही है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। साहू तो यहीं पर खड़ा है, आगे ना ले आए वैसे गाड़ी, जाओ चुपन चुपाई का खेल लग रहा है मेरे को तो ये। अरे गाड़ी में बैठिए क्या साहू, भाई साहब लगता है मेरे को ये अपना ही घूम घाम के निकल जाएंगे मेरे को यहीं पर छोड़ के। चुट 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 आगे आ रही है, आगे आ रही है। ओह गॉड, ये क्या खेल खेल रहे हैं यार मेरे साथ, लगता है अगला निकल के नहीं रहे गाड़ी से बाहर। यहाँ पर मैं गर्मी से मर रही हूँ, पिघल रही हूँ, मेरी स्किन पिघल रही है ऐसे करके। पक्का गया वो ऊपर, जल्दी करना फिर। Hi guys, see you soon. खोलनी भी नहीं आती है। बैठ जल्दी, जल्दी कर यार विशाल को मैंने बैग के लिए भेजा, जल्दी कर। बंद करना गेट। रुक जा रुक जा, बैठ गए ना सही से, कर दूं बंद। हाँ, अबे यार बंद कर। अबे यार रुक जा। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत दिक्कत है परेशानी, आ जाएगा वो। ओ भाई फाइनली मेरा, अब चुप रहा यार ऐसे पर दे कैडी। भाई मेरा पहला मिशन जो है गाड़ी में घुसना वो मैंने पूरा कर लिया है साहू की मदद से, थैंक्स अ लॉट टू साहू एंड पोलू आल्सो। अरे ठीक है ना तू? हाँ ठीक हूँ भाई, तकिया भी नहीं है तुम गाड़ी में। हाँ। थैंक्स अ लॉट भाई, तेरे चक्कर में मम्मी ने कितना सुनाया मेरे को। क्यों भाई, एक बैग के लिए इतना सुन लिया तू? अरे मम्मी कह रही तुम 10 बार ही आना जाना कर रहे हो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मेरे ध्यान, मैंने सोचा गाड़ी निकलवा के तू पागल है ना, आराम से विशाल मेरे को मेट्रो तो छोड़ दे भाई, है रास्ते में पड़ेगा मेट्रो स्टेशन छोड़ दियो, ठीक है
रास्ते में कहा पड़ेगा, मैं वहाँ छोड़ दूंगा दावड़ी मोड़ तेरे को। A few moments later, हम लोग निकल गए और आज हमारे साथ लोग मजा आ रहे हैं नई गाड़ी में। गाड़ी तो बढ़िया, आज पोलू जा रहा है किसी नए क्रिएटर का शूट करने के लिए, तो पोलू को भी मेट्रो ड्रॉप करना है हमें। बातचीत चेक कर रहे हो, बातचीत है भाई इस बंदे की। गड्ढा यहाँ पे तो काम कर, कुछ भी खोद देते हैं। इसकी जो भी मॉडल होगी ना, सनरूफ से निकल के बोल दियो मैम पोस्ट पोस्ट, बंदी चौंक जाएगी भाई। गाड़ी से आ रहा बंदा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो आज? परी नहीं आज, क्या हुआ? परी नहीं गई हमारी गाड़ी है? परी गई आज? परी से पूछा था यार, परी बोली मेरे कुछ काम है। अच्छा अच्छा, अरे सही है, ऐसे काम है, बढ़िया भाई, अपना फुल चिल हो गए, घूमेंगे। इसी बहाने का थी बंदी से मिल लूंगा मैं। और क्या बंदी चीटिंग करता है तू? इतनी ज्यादा हिल रही है कि बुदा बुदा के देख जरा गड्ढों में यार। आज गाड़ी में बहुत शांति है, आज परी नहीं है ना, नहीं तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती है, आवाज चुपती रहती है कानों में। और मैं गाने भी सुनूंगा ना तो अपने फोन में अलग से रील वो कर करके वो करेगी इरिटेट जान के। कहीं नहीं गई हूँ, यहीं पर हूँ। यार आज ना बड़ा वो हो रहा है मेरे को, पेट में दर्द। अच्छा मुझे लगा अफसोस क्यों परी नहीं है। अरे यार, इसके लिए तो मैं खुश हूँ। खुश है आज? आ जाती है डेली, भेमे करती रहेगी ना, गाने सुन पाएगा इंसान ढंग से ना कुछ। बेकार ही है वैसे हिसाब किताब ना, बेकार नहीं है, पता हम जितना उसे समझते हैं ना, मतलब अपना समझते हैं हर चीज को लेकर। तेल डलवाते ना कुछ पैसा मेरे जाता तेल में। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इसको तो मैं घर जाके बताऊंगी, सबको कहते ना आपके लिए गोली सब मिला दे। बकवास कर रहे हैं, मेरे ना होने से इनको दिक्कत नहीं, खुशी हो रही है। तो खा ले भाई कुछ, मैं तो पानी पीऊंगा भाई बस। स्ट्रीट फूड कैसा है यहां का ये बताओ? अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। चला गाड़ी बंद करना, गाड़ी कर दी बंद भाई। चलो भाई, ये लोग गाड़ी बंद करके बाहर खाने चले गए, वैसे नहीं खाएगा ये बाहर से। ऊपर से इतनी गर्मी होने लगी अभी से भाई। रे रे दोनों, रे 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 रे, बिल्कुल सामने खड़ा है। बुरा बुरा वो देखो, वो जा रहा। आओ, मैं तो बोल सकता था ना इसको कि भाई मत जा खाने, कुत्ता खुद ही उतर गया। इसको पता है मैं डिक्के में बैठी हूँ, वो गर्मी नहीं लग रही होगी क्या यार? A few moments later. हालत खराब हो गई भाई, खा ले वाले फटाफट फिर चलते हैं। यार परी को फोन करा मैंने, फोन ही नहीं उठा रही। वो तो फोन नहीं उठा रही, दोबारा करे एक बार। हेलो, सो रही होगी। छोड़ यार, अभी थोड़ी देर में करेंगे। खा ले फटाफट फिर चलते हैं यार यहाँ से। पानी भी नहीं मिला यार मेरे को। अब निकलूंगा सनरूफ से, निकल जाऊं क्या? और बोली तो पूरा सो गया बचपन से। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है भाई, गर्मी लग रही है, बाप का आ रहा भाई, बहुत गंदा। पानी लिया बक्के जा तू, या तू लिया ना, मैं इतने में क्या उठूं, मजा लिया पानी। वो इतना तमीज है ना, बंद कर दे, खा लेता हूं। भूख लग रही है बहुत गंदी, बंद कर दे। खाता भी तो खाया था तूने, तेरी कसम बहुत भूख लग रही है भाई।
गॉड, मेरे को लग रहा है कि साहू ना मेरे से बदला बदला ले रहा है किसी चीज का, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी रुकवाता है मेरे को कुछ खाना है और कहता भी है स्पेसिफिकली कि गाड़ी का एसी भी बंद करते, इसको पता नहीं मैं पीछे बैठी हुई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने गलत बंदा चुन लिया, मेरे को पोलू को करना चाहिए था चूज, वैसे पोलू बिजी था यार आज, और ऊपर से विशाल को ही बाहर ले गया, विशाल बैठा तो एसी में तो बैठती मैं कम से कम, कहाँ गई लोग देखो भाई ये भात का चूड़ियाँ खा रहे हैं पानी पी रहे हैं, तो यार राजमा चावल दिख गए मेरे को, मन तो कर रहा है सही बताऊँ राजमा चावल खाने का, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेरे को लग रहा है मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा गाड़ी की डिग्गी के अंदर। अबे तेरे को कुछ बात बतानी थी, वो बात तो बताई नहीं मैंने भाई, ट्रेन भी तो ना आ रही यहाँ पे, मैं कहा ट्रेन ट्रेन आती तो क्या तू बैठ जाता क्या, एक बात बतानी तेरे को बता दूँ क्या, क्या है क्या तू परी को मिस नहीं कर रहा? मैं नहीं, सच बता। हाँ सच सही में नहीं कर रहा तो सोच, परी हमारे साथ ही हो, कैसे साथ भी है, भूत-भूत ले सोच ना, ऐसा सोच अगर परी हमारे साथ हो तो क्या होगा। अबे परी हमारे गाड़ी में ही है। हाँ हाँ पागल है क्या तेरी कसम, इधर आ। हाँ हाँ लेकिन बते मत ना उसे। मैंने भाई ये चीज इसलिए बताई क्योंकि मेरे को लेना था बदला उससे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, और उसने ये बोला साहब बिल्कुल मत बताइए विशाल को, तेरी कसम डिग्गी में छुपी पड़ी है भाई वो है। अरे हाँ साले पागल है क्या, मजाक ले रहा है, रुक जा। अबे रुक जा भाई, सुन सुन तुझे मेरी कसम है, नहीं देख मत भाई, पता मत यार। उसने पता क्या बोला, उसने भाई साहब प्लीज बिल्कुल मत बताइए, अगर तू बता देना मैं बुरा बन जाऊंगा यहाँ पे। अबे तो वो जब से भाई गर्मी लग रही होगी, गर्मी क्या है, एसी तो चल ही रहा है, अभी गर्मी लग रही होगी, हम बाहर आए अभी एसी वेसी बंद है, पूरी गाड़ी बंद है। उठ के आ जा, मुझे अपने घर जाना है। मैं क्या डस्टबिन हूँ, कभी कुछ फेंक रहा कभी कुछ फेंक रहा, बहुत बढ़िया पाइप। जाके तेरा व्लॉग बनता है, बहुत है। उससे पहले वो अपना बनाएगी, अपने शूट कराएगी, पूरे दिन का है उसका वो काम, यार टाइम का कुछ काम होता है, मैं उसकी चीज हर बार समझ रहा हूँ यार ये उसका। मेरे को भी खुद लगता है कभी कभार की खाली वीडियो के लिए है, क्योंकि देख वीडियो बना के अपन घर जाते हैं उसके बाद बात कहाँ होती है उससे मेरी। काम होते ना अभी तक, अभी तू है ना मेरे साथ, अगर मैं अकेला निकला होता ना घर से आ चुके होते अब तक बेटा, अभी तू है मेरे साथ। और पता नहीं कौन सी लड़की से मिलता है, वो तो है समझ नहीं, तू भी कम थोड़ी है, वो कसम वसम खिला देना तो मैं बता दूं उसे बात थोड़ी। इन सच तो मेरे दुश्मन है, सही बताऊं ना, दूसरी लड़की का दोस्त ना बना सकता, बताई कोई बात हुई, जरूरी थोड़ी कि अगर मेरी कोई दूसरी लड़की दोस्त है तो मेरा उससे गलत रिलेशन ही होगा कुछ ना, ये तो बिल्कुल गलत सोच है परी की, और मैं भी इसको बिल्कुल नहीं बोलता भाई, देख ये तो गलत सोच है, ये तो मेरे को भी लगती है, खूब जाती है हर जगह अकेले तेरे को पता है,
मिला जुला के बेकार लड़की है, खराब खत्म कचरी, आज तो कुछ भी बोल सकते हैं उसे। भाई पता नहीं कहाँ पर गए हैं ये लोग, कहाँ पर आए ढूंढ लो, बहुत देर से गाड़ी में हूँ। हाँ वही नमकीन तो खिला दे, नमकीन तो खिला दे थोड़ा यार, थोड़ा ना सीधा होके बैठूंगा ये, जब से गाड़ी चला चला के ना हालत। तू नमकीन क्यों लाया यार? है एक तेरी एक मेरी, ला दियो एक मेरी देते यार। अरे थोड़े यार खुल के बैठूंगा, भैंस के जब से वहाँ दिमाग खराब हो गया ड्राइविंग सीट पे। अरे फटेगी भैंस, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अभी तो वाला नमकीन बहुत पसंद आती है। तुझे क्या लगा मेरे को पता नहीं है? मम्मी कैसी लगी? चंट बन रही थी अपने आप, कैसे लगा मेरे को पता ही नहीं चला, ये पीछे घूम रही है हमारे साथ। ए! ए! बड़ा बदतमीज है हमेशा, देखो पता चल गया तो बता सकता था ना, नमकीन की डाली मेरे ऊपर। बदतमीज बदतमीज गधे की कमीज। अब तू बाल धुलवा अपने जाके, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार। आजा मेरे यार, विशाल यार क्या कर रहा है यार ये तूने? ऐसी कर देता हूँ बेटा मैं, मेरे साथ तेजी मत चला करो, तुम्हें कितनी बार समझाई है लेकिन नहीं। पागल वागल है क्या? थोड़ा सा अगर ठीक है, देखो बच चाहिए होगा भाई, तू बहुत तेज दिमाग है, तू पागल है क्या, मुंह पे क्यों डाल रहा है? भाई आप लोग सोच रहे होगे कि आयुषी जी और विशाल भैया गाड़ी से उठ के यहाँ एकदम से कैसे कपड़े पहन रहे हैं? विशाल भैया नहीं है क्या? विशाल विशाल है नो भैया, तुमने कम बोला कर। तो भाई ऐसा हुआ कि जो हमारी एंडिंग के टेप थे जो हमने शूट किया था पूरा एंडिंग, इसमें बहुत बदतमीजी से मेरे ऊपर कुछ गिरा रहा था, पूरा शूट होता प्रॉपर, बट वो फाइल ना करप्ट हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरामैन पोलू। हाँ मतलब अब करप्ट हुई, उसमें उसकी भी गलती नहीं, थोड़ी बहुत उसकी भी गलती है, थोड़ी बहुत जो करप्ट हो गई है उसकी भी गलती है। मतलब मेरे को यूट्यूब पे हो गए हैं दो तीन साल, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी कुछ ना कुछ टेक जो थी वो फाइल जो थी वो करप्ट हो गई है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरा तो ऐसे पूरा एक ब्लॉग करप्ट हो गया था बेचारा, तेरा गलती से डिलीट हुआ था। YouTube, बाय।